आ रही है हल्दिया में एक बूथ पर ईवीएम मशीन खराब होने की खबर है। ईवीएम की वजह से बूथ नंबर 261 पर वोटिंग रोकनी पड़ी है। 50 मिनट के बाद वोटिंग रोकनी पड़ी। गर्मी के बीच बूथ पर मतदाता खड़े हैं। देखिए इस तरह की घटनाएं भी सामने आ रही है, इस तरह की गड़बड़ियां जो हैं वो भी सामने आ रही है। बड़ी खबरें लगातार पश्चिम बंगाल से असम से आती चली जा रही है। देखिए असम से अगली खबर है, सिलचर में भी मतदान रुका है। राशि इस तरह की घटनाएं आ रही है। असम के सिलचर में मतदान रुका है। पोलिंग बूथ नंबर 146 पर अस्थायी रूप से मतदान रुका है। ईवीएम में गड़बड़ी के चलते ये वोटिंग रुकी है। असम में दूसरे दौर में 39 सीटों पर मतदान हो रहा है। हालांकि सिलचर की जीत हार को असम की जीत हार से हमेशा जोड़ करके देखा जाता है। सिलचर भी बड़ी हॉट सीट है क्योंकि यहां से भारतीय जनता पार्टी से नाराज एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने बीजेपी के ही नाक में दम किया हुआ है। दिलीप कुमार पॉल इनका नाम है, बीजेपी से टिकट नहीं मिला, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही चुनावी मैदान में है और दिलीप कुमार पॉल जो है बीजेपी के कैंडिडेट को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। लेकिन ईवीएम में गड़बड़ी के चलते पोलिंग बूथ नंबर 146 पर अस्थायी रूप से मतदान रुका है। अजीत नंदोला जी के पास एक बार फिर से चलते हैं। अजीत जी एक बात और बताइएगा,